हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही कोहली की विराट सेना ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। इस मैच को जीतने के साथ ही भारत ने 10 साल बाद न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। ये दूसरा मौका है जब भारत ने न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीती है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 1976 से द्विपक्षीय सीरीज खेल रही है। उसकी ये 8वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज है। इससे पहले भारत सिर्फ एक ही सीरीज जीत पाया था। टीम इंडिया ने मार्च 2009 में 5 मैच की सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी। इस सीरीज के तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 49 ओवर में 10 विकेट खोकर 243 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से रॉस टेलर ने 93 और टॉम लॉथम ने 51 रन की पारी खेली। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चटकाए तो वहीं चहल कुलदीप और पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। शिखर धवन ने 244 रन का पीछा करने उत्तरी भारतीय टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई। धवन 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। रोहित 62 और कोहली 60 रन बनाकर आउट हो गए। रायडू 40 और कार्तिक 38 रन बनाकर नाबाद रहे। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच 31 जनवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।